Hello, bacho. Let's see this question. Identify A to F in the given diagram of human heart and choose the correct option. अब यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं, यहाँ इमेज लगाई है, ये हार्ट की इमेज है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम को बी दिखाया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये सी दिखाया है, ओके. इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इमेज में ये दिखाया ना ए, ये सुपीरियर वेना कैवा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सुपीरियर वेना कैवा है, और सुपीरियर वेना कैवा क्या कर रहे हैं, आपके अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है और राइट एट्रियम में डाल रहे हैं, ठीक है. फिर यहाँ पर दिखाया है डी, ये एफ, एफ दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है ना, तो उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों के बीच में है, इसलिए टर्म आ गया है इंटर, ओके. फिर इसके बाद ये आपका डी जो है, डी क्या है, यहाँ पर डी है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, यहाँ लिखा है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका डी हो जाता है. फिर इसके बाद ये जो आपका नजर आ रहा है यहाँ पर, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, ई है, ओके, ई क्या हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम. तो यहाँ पर सभी नेमिंग हो गए हैं. नेक्स्ट देखिए, ए में दिया है वेना कैवा, तो ए वेना कैवा है, कौन सा वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा है, ये आप जानते हैं, सब में वेना कैवा दिया है. बी आपका राइट एट्रियम है, बी आपका राइट एट्रियम है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम दे दिया जो कि इनकरेक्ट हो जाता है. सी आपका क्या है, यहाँ पर सी आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ लेफ्ट एट्रियम दे दिया ना, सी एट्रियम थोड़ा ना, सी तो वेंट्रिकल है, कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल दिया, यहाँ पर भी राइट वेंट्रिकल दिया. फिर आपका ई जो हो जाता है वो लेफ्ट एट्रियम है, वेंट्रिकल नहीं है, एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल दे दिया है, किसको, डी को, डी तो आपका वेंट्रिकल ही है, ठीक है, डी आपका वेंट्रिकल ही है, कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट, यहाँ पर डी को क्या दे दिया है, एट्रियम, ई आपका वेंट्रिकल दे दिया, बट यहाँ ई आपका क्या है, एट्रियम है, एट्रियम कौन सा, लेफ्ट एट्रियम, ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, एफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन बी, अदर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 198 पर दी है. थैंक यू.